मेनका गांधी की जीत इस बार कितनी पक्की है इसका अंदाजा राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष की माने तो इस बार भी सुल्तानपुर से मेनका गांधी का पल्ला भारी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में उतार कर दूसरी बार भी विश्वास जताया है। सपा ने सबसे पहले लोकसभा का टिकट भीम निषाद को देकर मैदान में उतारा। भीम निषाद ने सुल्तानपुर के चुनावी दौरे ने लोकसभा चुनाव को रोचक बना दिया था, लेकिन भीम निषाद के द्वारा पैसा बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद और सपा के स्थानीय संगठन की आपसी अंतर कलह के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भीम निषाद का टिकट काट कर रामभुवाल निषाद को टिकट दे दिया। टिकट कटने पर भीम निषाद सपा सुप्रीमो अखिलेश के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए थे। इनके टिकट कटने की बात को लेकर निषादों में सपा के प्रति काफी आक्रोश आज भी महसूस किया जा रहा है। भीम निषाद के समर्थकों का कहना है कि भीम निषाद का टिकट काट कर सपा ने धोखा दिया। दूसरी तरफ मेनका गांधी ने अपने नामांकन में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, मंत्री आशीष पटेल और आर ए वर्मा के साथ नामांकन कर मतदाताओं को संदेश दिया कि निषाद और कुर्मी बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं। वास्तविक धरातल पर निषाद मतदाता भी कह रहा है कि हमारी जाति के नेता संजय निषाद वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार चला रहे हैं। हमने प्रभु राम को जिस तरह गंगा नदी पार कराई थी उसी प्रकार अब की बार बीजेपी को 400 पार कराकर ही चैन से बैठेंगे। बीजेपी हमारी पार्टी है और हम सभी लोग एक साथ मेनका गांधी के साथ खड़े हैं। सांसद मेनका गांधी अपने तूफानी चुनावी दौरे में गांव में सभा कर जनता से संवाद कर रही हैं। जनता में अपना विश्वास कायम कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रही हैं। मेनका गांधी की आम जनता से सीधा संवाद करना ही उनकी शक्ति बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सपा पार्टी अपने स्थानीय संगठन के अंतरकलह रूपी कील को जितना ठोक पीट कर सही करने का प्रयास करती है, कील उतनी ही सपा को चुभने लगती है। जैसे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए पीताम्बर सेन को सुल्तानपुर का सह चुनाव प्रभारी बनाया, सह चुनाव प्रभारी बनने के दूसरे दिन ही पीताम्बर सेन ने बिना नाम लिए ही जिले के 3 पूर्व सपा विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये नेता जनपद में पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला करने में जुटे हैं और 2017-2022 की तरह इन तीनों विधायकों का आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भी हारने का दबदबा कायम रहेगा। संगठनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो जमीनी स्तर पर सक्रिय बीजेपी संगठन के सामने अन्य किसी भी पार्टी का संगठन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बीजेपी का जिला स्तर, तहसील स्तर, मंडल स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर मजबूत बूथ अध्यक्ष के साथ मतदाता से सीधे जुड़ने वाले पन्ना प्रमुख चुनावी मोड में आ चुके हैं। अन्य पार्टियों में चुनाव के समय ही आपस में अंतरकलह इतना ज्यादा है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर 2 बार 1999 और 2004 में कब्जा करने वाली बसपा ने उदयराज वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। उदयराज वर्मा के लोकसभा की चुनावी रणनीति को देखकर लग रहा है कि इन्होंने खुद से मान लिया है कि दलित वर्मा मेरे साथ हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। देखा जाए तो सपा प्रत्याशी रामभुवाल निषाद पार्टी अंतरकलह के बीच और उदयराज वर्मा का चुनावी मैनेजमेंट का सही से न हो पाना वर्तमान सांसद मेनका गांधी को जीत का वॉक ओवर दे रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।